नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारत के आदिवासी क्षेत्रों के अंतिम छोर व छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित एक प्रदूषण मुक्त एवं शांत बस्तर में एक नए विश्व की खोज करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक एवं रहस्यमय बस्तर एक ऐसी खोज है जो आपकी इंद्रियों को जागृत, मस्तिष्क को प्रेरित करेगी और आपके मन व बुद्धि को तरोताजा कर देगी। बस्तर प्राचीनता एवं आधुनिकता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विभिन्नता का एक सुंदर समन्वय है। बस्तर एक ऐसी अनभुज पहेली है जिसे हल करना शेष है। आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का कोई तैयार उत्तर नहीं है। बस्तर स्वयं आपको इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए प्रेरित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुकुट पर चमकती मणि के समान बस्तर की सीमाएं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं उड़ीसा की सीमाओं को छूती है। बस्तर का लगभग 60% भाग हरे भरे वनों से आच्छादित है। बस्तर का पश्चिम भाग ऐतिहासिक अभुजमाड़ी आदिवासी पहाड़ियों एवं दक्षिण भाग बेलाडीला की खनिज खदानों से भरा हुआ है। धीरे चलाओ की बोर्ड भैया। बस्तर में कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान का फैला हुआ घना एवं भयानक जंगल, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राचीन एवं रहस्यमय गुफाएं, सुंदर जलप्रपात एवं नदियां जैव वैज्ञानिकों, टूरिस्ट यात्रियों, रोमांचकारी खेलों के शौकीन एवं कलाकारों के लिए स्वर्ग के समान है। बस्तर पिकनिक, फोटोग्राफी एवं रोमांचकारी टूरिस्ट यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बस्तर राजघराने की देवी माँ दंतेश्वरी है। ऐसी मान्यता है कि देवी इन घने पहाड़ी जंगलों में राजा की रक्षा करते हुए उनका मार्गदर्शन करती है। दशहरा बस्तर का सबसे भव्य, बड़ा एवं प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व माँ दंतेश्वरी को समर्पित होता है। दंतेवाड़ा के डंकिनी शंखनी नदियों के संगम पर माँ दंतेश्वरी का भव्य मंदिर ग्राम तराला में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक अन्नमदेव ने करवाया था। इस मंदिर परिसर में गणेश, विष्णु, नंदी की कलात्मक मूर्तियां हैं। बस्तर का यह एकमात्र तीर्थ स्थल है। यहाँ 19वीं शताब्दी तक मंदिर में देवी की नरबलि दी जाती थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।